पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले में जहां एक तरफ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 4 घंटे में एक बैंक कर्मचारी फर्जीवाड़ा करने में शामिल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। RBI के मुताबिक औसतन हर 4 घंटे में एक बैंक कर्मचारी फ्रॉड में शामिल होने को लेकर पकड़ा जाता है। RBI डाटा के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच सरकारी बैंकों के 5,200 कर्मचारियों के खिलाफ फ्रॉड में शामिल होने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जीवाड़े में शामिल होने वाले कर्मचारियों में से जहां कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, वहीं कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। RBI के हवाले से बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक में पकड़े गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के 1538 अधिकारियों के खिलाफ फ्रॉड करने को लेकर कार्रवाइयां हुई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ओवरसीज बैंक और तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं। ओवरसीज बैंक के 449 कर्मचारियों और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 406 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इस दौरान बैंक के 184 अधिकारी धोखाधड़ी करने की गतिविधियों में लिप्त पाए गए। हालांकि RBI ने यह जानकारी नहीं दी है कि इन कर्मचारियों की वजह से बैंकों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन कुल मामलों में से 2084 ऐसे मामले हैं जिनमें अंदरूनी सूत्र शामिल थे और यह कुल फ्रॉड के आंकड़ों का 12% बताया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले में जहां एक तरफ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 4 घंटे में एक बैंक कर्मचारी फर्जीवाड़ा करने में शामिल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। RBI के मुताबिक औसतन हर 4 घंटे में एक बैंक कर्मचारी फ्रॉड में शामिल होने को लेकर पकड़ा जाता है। RBI डाटा के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच सरकारी बैंकों के 5,200 कर्मचारियों के खिलाफ फ्रॉड में शामिल होने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जीवाड़े में शामिल होने वाले कर्मचारियों में से जहां कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, वहीं कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। RBI के हवाले से बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक में पकड़े गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के 1538 अधिकारियों के खिलाफ फ्रॉड करने को लेकर कार्रवाइयां हुई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ओवरसीज बैंक और तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं। ओवरसीज बैंक के 449 कर्मचारियों और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 406 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इस दौरान बैंक के 184 अधिकारी धोखाधड़ी करने की गतिविधियों में लिप्त पाए गए। हालांकि RBI ने यह जानकारी नहीं दी है कि इन कर्मचारियों की वजह से बैंकों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन कुल मामलों में से 2084 ऐसे मामले हैं जिनमें अंदरूनी सूत्र शामिल थे और यह कुल फ्रॉड के आंकड़ों का 12% बताया जा रहा है।